मैंने आईडी बनाई फेक और ना इसमें नाम लिखा हुआ मेरा और लड़की का फोटो रखा हुआ फेक आईडी। वेलकम फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक पार की व्लॉग वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारे प्रदीप भाई बागी द्वारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो से आए हैं, अपने ओम भाई साथ में है, उधर आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो से विनोद भाई है, इधर कमलेश भाई है। हाय करो ना भाई लोगो। हाय दोस्तों। हाय हाय हाय। तो ऐसे बोलो ना। तो फाइनली दोस्तों मेरे भाई लोग अपने मेरे घर पे भी आए थे, घर पे थोड़ा चाय वगैरह किया और फाइनली अभी मानगढ़ धाम घूमने के लिए निकले हैं। हमारे प्रदीप भाई का फोर्थ पेमेंट आया है यूट्यूब का, वो अभी निकालना है यहाँ अभी, तो वो निकालेंगे, पार्टी वगैरह करते हैं। बोलो प्रदीप। हम हमारे भाई के साथ आए हैं, बिल्कुल रनु भाई के वहाँ पर, उनके घर पे गए थे। अभी हम चाय हाय पी और हमारे साथ में है ओम प्रकाश जी और कमलेश जी और हमारे विनोद भाई, आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ओनर, इनके साथ आज हम रौनक भाई की शिफ्ट में आज मानगढ़ हिल्स जो पहाड़ी है वहाँ पर जा रहे हैं। हम आज थोड़ा घूम के आते हैं, यूँ करके थोड़ा मनोरंजन करके। अभी क्या एक बरसात का समय स्टार्ट हुआ है तो कुछ ऊपर का नज़ारा देखने के लिए और थोड़ा मनोरंजन करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। फिर अगर 9 अगस्त तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे इस व्लॉग के साथ। आप कंटिन्यू जो भी नज़ारा हम भाई लोग देखते हैं वही के वही आपको भी बताते हैं। हाँ, और हम दूसरी बात ये है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं जो कि हमारे अगले जो आदिवासी सॉन्ग के जितने भी रिकॉर्डिंग होने वाले हैं और हमारे खुद के भी वीडियो शूट करना है, तो आज हम वो भी देखते आएंगे लोकेशन का, यानी कि अभी से, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा सॉन्ग भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा और बहुत जल्दी इस बार तो क्या है कि अभी से हम वीडियो एक अपलोड करना है रौनक जी। बिल्कुल किया जाएगा, बहुत जल्दी कर देना है ताकि क्या है कि कुछ नया पहले से आ जाए ताकि लोगों को अपन कुछ नया नया दिखा सकते हैं। यूँ तो अपने भाई लोगों को भी अपने वीडियो शूट करते आदिवासी का तो सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, जो भी आएगा इसी व्लॉग में आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो बने रहेगा हमारे व्लॉग के साथ। चलो तो दोस्तों निकल चुके हैं यहाँ से, अभी फिलहाल हम मैनापद चौकड़ी थे दोस्तों। हाँ, यहाँ से जा रहे हैं। क्या कि वो ये पुलिया बन रहा है, पुलिया बन रहे हैं दोस्तों, जो कि इससे अभी तैयारी हो रही है क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर आदिवासी जो 9 अगस्त को बहुत बड़ा यहाँ पर भी आयोजन होता है अपने मानगढ़ पहाड़ी पर। यहाँ से भी दिखता है मानगढ़ की पहाड़ी, जो अपने स्तंभ बनाया हुआ है वो ये देखिए फ्रेंड्स, ईंटों का भट्टा आ गया है। ये देखिए दोस्त, देखो यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही दूर है, मैंने बहुत ही काफी दूर से जूम किया है, देख सकते हो आप खुद, देख सकते हो बहुत दूर से जूम हुआ था, ये बहुत दूर है, बहुत दूर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखो, यहाँ से गुजरात चलता है, यहाँ से अपने मानगढ़ की पहाड़ी पर जाएगा ये रास्ता सीधा। क्या हेलीपैड दिखा के आए क्या? दिखा देते, ये देखो फ्रेंड्स वहाँ ये हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ पर बना था जो हेलीपैड, ये रौनक जी आज वहाँ पर भी जाने की कुछ सोच रहे हैं लगता है। चलो ये रास्ता था, बंधन फोन कर ला, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, हाँ सड़क सर ऊपर स्कूल के पास हेलीपैड, एक हेलीपैड यहाँ पर बना था, यहाँ पर घुमा, हाँ घुमा लेते हैं ना सर, गाड़ी देखिए हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हेलीपैड था, ये कुछ अलग ही नजारा था, यहाँ पर कुछ शराब पीकर किसी यानी कि बोतल फोड़ रखे और ऊपर भी यहाँ नहीं चढ़ा, हम यहाँ से नहीं चढ़ाएंगे, अपने जो पार्किंग है जो बनाया हुआ रास्ता है ना उधर से ही अपन ले लेते हैं, क्योंकि ये गलत हो जाता है। हाँ, कुछ अलग नजारा है। ये गांव कौन सा है, गांव कौन सा पड़ता है? आमबलिया अम्बादरा। कुछ नए नए यानी कि कुछ देखने मिल रहा है यहाँ पर, दो हेलीपैड है ना, दो हेलीपैड यहाँ पर भी बनाए हुए है, प्रोफेशनल बनाए हुए, डामरीकरण किया हुआ है, कुछ अलग ही तरह का बनाया हुआ है, शायद यहीं पर प्रधानमंत्री जी उतरे थे। हाँ, और यहाँ पर शायद अशोक गहलोत जी आए होंगे, उनके साथ साथ एक भी एक बंदा और नया आने वाला है। और उनके साथ देख लेना आप लोग, देखो देखो क्या रौनक जी क्या अपने व्लॉग से कमाई हुई गाड़ी को भी कैसे घुमा रहे हैं, क्या बात कर दी यार, मजा आ गया, पेमेंट तगड़ा आ रहा है ना, आपके सबके सपोर्ट की वजह से आज
यहाँ पर मैंने देखा आपने कितना आया रौनक भाई, रौनक जी कितना आया था ना? नहीं शायद सर पिछुतर और भी आगे पिछुतर पिछुतर इस बार आने वाला है 23 तारीख को। हाँ, इस बार भी आएगा 85 के करीब। 85 के करीब तो था ना यार, अभी तो क्या है कि उसका चल रहा है ना सीजन है ना अभी ब्लॉगिंग में। उधर सामने भी था फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हेलीपैड थे, दो हेलीपैड उधर बने थे, तीन यहाँ पर है, पांच हेलीकॉप्टर आए थे ना। और दोस्तों आज तो हम शिफ्ट लेके घूम रहे हो, कल देखना आप आए थे क्या उस समय जब प्रधानमंत्री जी आए थे? अगले साल देखना। नो सर हम नहीं आए, अपने घर से अच्छा खासा दिख रहा था लोकेशन तो देख रहे थे। सही बात है सही बात है, मैं भी किसी कारण वंश लाइव चैनल लगाए थे ना, देखो रहा है वहीं से देख रहे थे लड़की लड़के बातें करते, लाइव चैनल लगाया था ना। देखो यहाँ से मानगढ़ 3 किलोमीटर है, अभी तक 3 किलोमीटर देखो फ्रेंड्स, ये इतना नजदीक है तो भी ये बहुत घूम घूम के रास्ता जाएगा। जो पहाड़ी की जो लेवल को क्या बात कर दी यार, क्या लेवल तोड़ के यानी कि यहाँ पर बनाया गया है ना, ये हुई ना बात। देखो कुछ अलग सा नजारा दिखेगा आप, ऊपर से हम पूरा दिखाएंगे आपको। मुझे तो डर भी लग रहा है क्योंकि ये जंगल है पूरा। लग जाता है यार, सर पे पैसा हुआ था। डर तो लगेगा ना, जंगल में गाड़ी खड़ी मत। यहाँ का यानी लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, यहाँ घर है, यहाँ के लोग यानी थोड़ा खुशी से जी रहे शायद। ऐसा यानी आनंद लायक एरिया है। देखो ये क्या आम है, आम तो लग अरे आम कहते मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है यार। सावधान घाट क्षेत्र, कृपया वाहन धीरे चलावे, तो चढ़ेगा कैसे वाहन वो सर? देखो अंडा अंडा लेके जा रहे, आगे जाके बढ़ जाना पड़ता है। ये देखो कुछ अच्छी यानी कि रोड की यानी कि थोड़ी अच्छी मरम्मत है। ये देखो ये बहुत ही काम भी शायद चल रहा होगा शायद, इसलिए ये पूरे लोग भी जा रहे हैं यहाँ से। ये कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, और यानी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि पूरी सुरक्षा के साथ रोड की चारों तरफ बाउंड्री है ना, बहुत ही अच्छी है। ओहो आपकी यात्रा मंगलमय हो। आ गया संतरामपुर 22 किलोमीटर, अहमदाबाद 195, सूरत 290, दाहोद 78, गोधरा 95 और बड़ोदरा 220। यहाँ से भी सीधा यानी कि अपने निकल जाता है ना रास्ता। ये देखो फ्रेंड्स हम मानगढ़ की पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं, जो पहाड़ी के ऊपर से रास्ता जा रहा है, हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से भी आपको जो स्मारक बना हुआ वो दिखेगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, बहुत ही काफी सुंदर दिख रहा है ना, ये हुई बात। वाह कुछ यहाँ का नजारा भी कुछ अलग है। ये देखो यहाँ पर बहुत बड़ी खाई भी है, डर भी लग रहा है क्योंकि आंखें कमजोर है, सुधर से वो अपने पास कोई है नहीं ऐसा दूरबीन उरबीन है, दूरबीन लाते अगले साल देख लेना। रौनक जी की कमाई से लाएंगे तब। अगले साल रौनक जी वो लाएंगे, स्कॉर्पियो आ जाएंगे। बिल्कुल आप सपोर्ट करते रहना दोस्तों, स्कॉर्पियो कुछ नया नया और भी दिखाएंगे अपन यूं दोस्तों के लिए। जैसे पेमड़ा जैसे दोस्तों को पार्टी देने शुरू कर। मानगढ़ की पावन भूमि पर आपका स्वागत है। वाह यार वाह गोविंद गुरु। ये देखो लोग शहीद स्मृति, मुंबई से आया गाड़ी नंबर मुंबई। मुंबई की है क्या? अपने वाले लोग होंगे ना, ऊपर चढ़ाओ साथ में रहेंगे तो कमाई खाएंगे। आहा क्या बात है सर, हम लोग भी लोग के साथ नहीं हो, क्या बात कर दी, क्या नजारा है। मैं तो लग रहा है स्वर्ग की ये चिड़िया तो नहीं है, स्वर्ग में चढ़ रहे शायद ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं आ गई आ गई आ गई, स्मारक आ गया। लोग क्या कर रहे हैं इतने सारे, देखने वाला है। आ गए हम मानगढ़ के जो स्मारक बना हुआ है ना, शहीद स्मृति का जो स्मारक है वो ये है। हम अभी यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाएंगे, चलो तो कुछ अलग का नजारा देखेंगे अभी बाहर निकल के। हेलो फ्रेंड्स अब हम नीचे जाएंगे। देखो तो रौनक जी आ रहे हैं सामने से। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। टन टन अस्टेन की प्रॉब्लम होगी क्योंकि बरसात आ रही थी, अस्टेन सामान रह गया घर पे। देखिए फ्रेंड्स बहुत कुछ अलग का नज़ारा है,
मारे गए थे, सॉरी मारे नहीं गए थे, शहीद हुए थे अपने लिए। लो ब्लॉग के साथ अब रौनक जी थोड़ी बात और करेंगे। ओम प्रकाश जी नए चप्पल लाए हैं, उनका उद्घाटन यहाँ पर आके कर रहे हैं। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, हम फाइनली मानगढ़ की पहाड़ी पर आ चुके हैं। ये देखिए हमारे शहीद जो स्मारक बनाया हुआ है वो, और यहाँ पर थोड़े लोग भी आए हुए हैं जो घूमने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए। और हमारे साथ रौनक जी अपने साथ में हैं, और साथ में हमारे कमलेश भाई भी है, और दूसरे फ्रेंड्स भी है जो हमारे साथ आए थे, वो थोड़ा उधर सेल्फियाँ ले रहे हैं, आगे देखते आ रहे हो। हाँ, तो हम अब यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कुछ अलग सा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा यहाँ पर पूरा पूरा जंगल है, इधर साइड उधर भी हम जाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चौकी भी बनाया हुआ है यहाँ का मानगढ़ का, और यहाँ पर ये जो गुरु गोविंद की धुनी है वो भी उधर ही है। हम अभी स्मारक की तरफ है, और ये रही शायद, हाँ ये रही धुनी, और यहाँ से कुछ पूरा नज़ारा दिख रहा है फ्रेंड्स। ये अपना बांसवाड़ा दिखेगा यहाँ से, ये पूरा आनंदपुरी पूरा दिख रहा है यहाँ से। हाँ, आनंदपुरी क्षेत्र पूरा दिख रहा है यहाँ से। क्या है कि अभी ये बरसात का समय स्टार्ट हो चुका है, इसकी वजह से ऊपर से कुछ कोहरा और ये थोड़ी धुआं का नज़र आ रहा है, तो इसकी वजह से नहीं दिख पाएगा। ये पूरा आ गया आनंदपुरी यहाँ का पूरा, और ये हमारे साथ आए हुए चुतिया लोग हैं दो जने जो हमारे साथ यहाँ थे लेकिन फ़ोटो खिंचवाने बाहर चले गए। और यहाँ देखिए साथ पूरा नज़ारा यहाँ दिखेगा। अभी हम थोड़ा उधर का नज़ारा दिखाएंगे जो गुजरात के लेवल का, उधर जो कडेना का पानी आया हुआ उधर, ये देखो थोड़े बहुत प्योर्स टूर्स आए हैं यहाँ पर। यहाँ वीडियो बन रहा है, कोई फोटो नहीं खींचा जा रहा है। चलो हम यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आगे से। हम अब जाएंगे इधर थोड़ा और, थोड़ा बहुत उधर आगे नज़ारा है वो देखेंगे, इसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। चलो तो गाड़ी के साथ अब आगे निकलेंगे, मैं थोड़ा आगे निकल जाता हूँ। नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर, आगे निकलेंगे, आगे दिखाऊंगा कुछ। अब मैं पूरा स्मारक दिखाऊंगा यहाँ से, आपको पूरा दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का स्मारक बना हुआ है, ये यहाँ से कुछ अच्छा दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का स्मारक है यहाँ पर मानगढ़ का, ये शहीद स्मारक। यहाँ से भी अति सुंदर दिखता है क्योंकि नज़ारा कुछ अलग है। अभी थोड़ा शाम का समय है, 4:40 हुआ है, और वहाँ से अब निकल चुके हैं। अब हम कुछ आपको वहाँ का एरिया दिखाएंगे जो लास्ट पहाड़ी के लास्ट चौर पे जा रहे हैं, वहाँ से आपको हम दिखाएंगे। इसके बाद हम गुजरात का जो वहाँ पर बना हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे, या अपने जो राजस्थान का बना हुआ है वो है। और हम यहाँ से आगे भी जाएंगे जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि जो गुजरात के वहाँ का भी कुछ नज़ारा दिखाएंगे, वहाँ का कुछ देखने लायक चीज़ें है वो भी हम दिखाएंगे आपको। हेलो दोस्तों, हम आए मानगढ़ धाम पे। नजारा बताओ दोस्तों, ये नज़ारा कैसा है देखो। आगे जाना है आगे तक जा रहे हैं वो, क्या है और पे उधर क्या बना हुआ सर? आगे वो जो लास्ट पहाड़ी की जो लास्ट पहाड़ी जा रहे, आपको दिखाएंगे वो वहाँ देखने का पानी भी दिखेगा उधर से। वो कन्हा नदी में थोड़ा दूर है, यहाँ से पानी दिखेगा सही। लोग की बैंड बजा रहा है यहाँ पे, आपको पता नहीं है।
मैं पहले पर आप शायद आए थे ओम प्रकाश जी? हाँ पहले आके बहुत। नहीं किसको लेके आए थे आप? मैं और आपकी वाव यानी आपकी गर्लफ्रेंड के बीवी को लेके आए थे आप? नहीं सर किसी को लेके नहीं आए। पड़की वो बोल रहे हो तो वो में तो फिर आपकी यार डर लग रहा है मेरे को तो कहीं शेयर करा दीजिए। मैं और अनु भाई दो आए थे इधर घूमने के लिए को पहले कि हम गैंगस्टर में लगे हुए थे। अभी वो काम छोड़ चुका हमने। यहाँ पे मार्केट में कोई पैसा भी नहीं रहता है। ये जा रहे जंगल में यानी कि मेरे को लग रहा हम थाईलैंड के जंगलों में घूम रहे। हमारा प्रतीक भाई ने एक बार यहाँ शूटिंग की थी कि यहाँ इस जड़ियों में यहाँ खतरनाक शूटिंग की थी जड़ियों में से। प्रतीक भाई इधर शूटिंग करने हैं तो भूत का एक्शन यही लिया था ना भूत वाला। भूत वाला एक्शन यही था। और प्रतीक भाई वहाँ कर शूटिंग में गए थे और मैं यहाँ बैठा था भाई लेके। यहाँ कहाँ शूटिंग थी? कहाँ शूटिंग का थी उनकी वो बता दी यार ब्लॉग में आगे। यहाँ से अब आपको दिखेगा पूरा उधर का नजारा। मेरे को पता नहीं मैं मगर छोटा हूँ। दोस्तों ये क्या बातें हो रही है? दोस्तों ये देखो वेंडे वेंडे क्या कर रहे हैं अंदर ये साला वेंडे वेंडे कहाँ से आ गए अपने आप इधर? शायद यहाँ पर किसी ने आग लगा दी थी क्या? ताकि उतरो सर। हाँ उतर रही है रोनू भाई हमारे रोनू राज पारगी उनकी टीम है गैंग स्टार की। ये ताकि आपको ब्लॉग बता देते हैं वो कनेडा टीम के पानी आ रहा वो लो रनु भैया पकड़ो आप लो प्रदीप भाई मैं थोड़ी बोलने में थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम होती है इसलिए कल फाइनली हम लास्ट चौर पे आ चुके हैं उधर पहाड़ी के अंतिम में और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कुछ आनंदपुरी क्षेत्र का कुछ हिस्सा और इसके बाद गुजरात का जो खेड़ापा क्षेत्र है उसका। यहाँ से क्या है कि बॉर्डर है अपने यहाँ से हम दिखाएंगे आपको और यहाँ के जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी यानी कि थोड़ी खाई है और यहाँ बीच में भी लोग रहते हैं जो यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको कुछ अलग का नज़ारा दिख रहा है। देखो फ्रेंड्स ये पहले तो अपना आनंदपुर क्षेत्र है यहाँ से लास्ट राजस्थान पड़ता है और यहाँ से गुजरात आ जाता है गुजरात का खेड़ापा क्षेत्र। हाँ यहाँ से नीचे है ये जो रास्ता दिख रहा है यही लास्ट यहाँ से ही है ये पुलिया के इधर से यहाँ से उधर साइड है इधर साइड है गुजरात और इधर साइड अपना राजस्थान जो बांसवाड़ा एरिया। तो यहाँ से दिख रहा है कुछ अलग ही नज़ारा है और ये अपने जो माही माही सोम जाखम का पानी आता है ना तीनों का माही सोम जाखम तीनों का पानी आता है और लास्ट गुजरात के अंतिम छोर पर वहाँ पर कन्हड़ा डैम है महिसागर बंद। हाँ तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अंतिम लास्ट पानी उसका यहाँ तक भी आता है ना। हाँ इस पुलिया तक भी पानी आता है फ्रेंड से ये पुलिया तक जो पुलिया तक भी पानी आता है उसका और इसके बाद यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा है मुझे तो यानी बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या बात कर दी वो तो बहुत बड़ा यार क्षेत्र है यार कुछ अलग का ही क्षेत्र है ये देखो यहाँ पर तो कुछ बड़ा मैदान है ना बहुत अच्छा दिख रहा है। और जो हम यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी पहाड़ी है जो शूटिंग करने लायक है। हाँ यहाँ पर बहुत ही अच्छा है यानी कि सबसे कुछ अच्छा ही लग रहा है मुझे तो यहाँ आने के बाद खुशी का आनंद है भाई। ये हमारे छचुंदर लोग है भाई लोग छचुंदर लोग देखो इनके फोनों में यानी कि क्या हो गया क्या पता ओए गाना मत बजा नहीं तो क्लेम आ जाएगा इसमें व्लॉग में क्लेम आएगा। ये यूट्यूबर बन गए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी अब
हमको आप इंस्टा पे कमा रहे हो बट हमारा यूट्यूब का भी तो रूल्स समझा करो कभी कभी। चलो अब हम रौनक जी के साथ कुछ और गप्पे मार थोड़ा बता दे इंस्टा पे पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों नजारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना भाई, लोगों के साथ आज तो मजा आ रहा है हमको तो। गजबदार इसमें थोड़ा लाए थे पानी वगैरह और कुछ लाए थे पानी फिर हम उल्टा सोच लोगे। हमारे साथ विनोद भाई आइए ना आइए ना। हम भाई ये दोस्त लोग तुमसे थोड़ा ज्यादा समझदार है पता है ना। दोस्तों किसी को इंस्टा में पैसा कमाना हो तो मेरे को संपर्क करें। हाँ दोस्तों क्योंकि ये खुद भी नहीं कमा रहे आपको भी नहीं कमाने देंगे। तो संपर्क जरूर करें हम भाई से। हाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। हाँ हंसी का समय है क्योंकि उनके 10K फॉलोवर हो गए क्या 10K फेक आईडी पे हो गए हैं। उनका फेक आईडी में पेमेंट भी आ चुका है $25 कमा भी चुके हैं लेकिन फेक आईडी पे। दोस्तों आपको भी फेक ही बना देंगे पूरे अगर नंबर से बात करती तो। तो ब्लॉग के साथ बने रहिए और आगे रौनक जी थोड़ी दो बातें बोलेंगे उसके साथ हमारे ओम प्रकाश जी अपने इंस्टा के बारे में बोलेंगे। हाँ सर बोल दो ना बोलो ने बोलो सर इंस्टाग्राम आ गए शर्मा रहे हैं बहुत जैसे नई नई दुल्हन शर्मा रही है। रुको के अरे रुको दो शब्द बोलो ना इंस्टाग्राम के बारे में। हाँ दोस्तों इंस्टा से पेमेंट कमा रहा हूँ मैंने आईडी बनाई फेक और ना इसमें नाम लिखा हुआ मेरा और लड़की का फोटो रखा हुआ फेक आईडी क्योंकि आगे बोलो ना सर दोस्त शर्मा क्यों रहे सुनने के लिए दोस्त मेरे बेताब है। वाह बोलो लड़की सब कुछ कर दिया और पेमेंट भी आ गया $25 भी आ गया और $100 रुपया मैं उठा लूंगा। तो ये लड़की का क्या मैटर है सर फोटो बोल रहे थे कैसे वो तो फेक आईडी हूं। अच्छा फेक आईडी से पेमेंट कमा रहा हूं पैसे ₹10 वो भी डॉलर में क्या सर। अच्छा आपको कैसा लगा यानी यहाँ आने के बाद तो हुआ कि मैं 9 अगस्त पर बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं हम तो ओम भाई को हमेशा हवा में उड़ाते रहते हम तो ओम भाई सबको पार्टी दे दूंगा। हाँ बिल्कुल जितना भी आएगा $100 का जितना भी बनाए पेमेंट सब दे दूंगा। इसलिए हम तो हमारे ओम भाई को चने के झाड़ पे भी चढ़ाते रहते दोस्तों क्योंकि चने के झाड़ पे चढ़ा के गिराना हमारा काम है। हाँ ये हुई ना बात मुझसे थोड़ा कर दो तुम मुझसे कर दो। ये तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे ओम भाई का डांस कहाँ छिप गए। भाई को हवा में उड़ा दिया सर आपको हवा में उड़ा दिया कोई कमलेश भाई को हवा में उड़ा दिया ये आपने। कैसा लगा हमारा आज का ये ब्लॉग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हमारे भाई लोगों के साथ एंजॉय करा थोड़ा बहुत नज़ारा आपको भी बताया मानगढ़ का कमरेश भाई इसमें थोड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू धमाकेदार व्लॉग के साथ तब तक के लिए जय जोहार।